अपनी YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे थे मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र जो हमारा जुलाई माह का है, ओके, इसमें कक्षा 12वीं हिंदी का हम देख रहे थे, जिसमें मैंने दोस्तों आपको कहा है आपके काव्यखंड और पद्य साहित्य का इतिहास, ये टॉपिक कवर करा दिया है, ओके, पूरे कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, ये पार्ट दो है, ओके, पार्ट एक नहीं देखा तो जाकर जो देखिएगा, पार्ट दो की सॉल्यूशन में दोस्तों हम क्या है जो आपका व्याकरण वाला सेक्शन रहता है उसे कवर करेंगे। तो सभी क्वेश्चन देखने के बाद पार्ट एक में दोस्तों हम क्या है व्याकरण वाले सेक्शन में पहुंच चुके होंगे। व्याकरण सेक्शन में क्वेश्चन केवल और केवल हमें क्या है क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो क्वेश्चन के हमें सॉल्यूशन तैयार करने हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रस की परिभाषा देते हुए उसके क्या है भेद लिखिए। ओके दोस्तों सॉल्यूशन, चलिए मैं आपको क्रम से बताता हूँ। रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखना है, ओके। तो रस की परिभाषा क्या है, काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण के दर्शन से प्राप्त आनंद को हम क्या है रस कहते हैं। सिंपल बात है, काव्य के पठन पाठन से प्राप्त आनंद को ही रस कहते हैं। रस के कितने 10 भेद होते हैं और ये भेद दिए हुए हैं, ओके, ये भेद हैं आपके। भेद अगर पूछे तो 10 है, ओके, और अंग पूछे जाए तो अंग या अंग पूछे या प्रकार पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं, ओके। तो भेद आपको ये पता है कौन कौन से, सिंगारस, हास, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विवस, अद्भुत, सांस, बात्सल्य, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रस के प्रमुख अंग कौन से है? यही क्वेश्चन आपका दिया है, रस के प्रमुख अंग, फिर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व, स्थायी भाव कैसे कहते हैं, उसी क्रम में ही बिल्कुल क्वेश्चन दिए हुए, ओके। तो रस के प्रमुख अंग कौन से हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व के नाम लिखिए। रस की निष्पत्ति में विवाह, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भाव कैसे कहते हैं, तो जो भाव स्थायी भाव से सहृदय के हृदय में निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं, ओके। ये हमारे क्या है 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं दो के संचारी भाव के नाम लिखिए। और कंप्लीट पीडीएफ पर सभी सब्जेक्ट की आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कैसे आपको क्या है मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपके हैं उनकी सभी की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन समझाते ही जा रहा हूं, ओके। चलिए क्रम से देख लेते हैं इनके उत्तर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वां, संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं दो संचारी भाव के आपको नाम बताने हैं। तो संचारी भाव क्या है, आश्रय के हृदय में उठने और नष्ट, उठते और नष्ट होते रहते हैं, वे भाव संचार भाव कहलाते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं। मतलब संचारी भाव जो दोस्तों होते हैं वो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, मतलब पानी के बुलबुले बनता है फिर मिटता है, बनता है मिटता है, इसी प्रकार जो संचारी भाव होते हैं ये क्या है, ये आते जाते रहते हैं, ओके। तो प्रमुख संचारी भाव के कौन कौन से हैं, कोई भी आपको दो बताना, तो स्वेद, लज्जा, गर्व, स्मृति, पीड़ा, उन्माद, हर्ष, ये सब आपके क्या हैं संचारी भाव है, ओके। संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसमें क्वेश्चन है कि करुण रस की परिभाषा लिखिए, फिर वीर रस के लक्षण लिखिए, ओके। तो देख लेते करुण रस की परिभाषा उदाहरण। तो करुणा रस क्या है, जहाँ प्रियजन की मृत्यु या स्थायी वियोग का वर्णन या दर्शन हो वहाँ करुणा रस होता है। आपको उदाहरण बताना है, ओके। तो आपको बहुत सारे उदाहरण है, कोई भी जो आपको याद हो सके वो आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेट में आपको गूगल पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ओके। लेकिन कम से कम आपको 1 से 2 उदाहरण आपको तैयार रहना चाहिए, ओके। ये आपका दिया हुआ कोई भी अपने हिसाब से उदाहरण आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीर रस के लक्षण, वीर रस के जब लक्षण लिखे यानी लक्षण यानी परिभाषा उदाहरण बताना है आपको, ओके। तो वीर रस में उत्साह भाव की उत्पत्ति होती है, रोमांच, उग्रता आदि कुछ कर दिखाने की चेष्टा होती है, वीर रस के लक्षण है, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव के भेद लिखिए, अनुभाव और विभाव में हमें क्या अंतर बताना है, चलिए इन्हें भी देख लेते क्रम से। तो रस के आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो रस की आवश्यकता आपके विभाव, अनुभाव और आपका क्या है स्थायी भाव, व्यविचार, ये सब आपके भाव हैं, ओके। नेक्स्ट है विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव के जागरण में सहयोग देने वाले कारण विभाव कहलाते हैं, ओके। मतलब स्थायी भाव जिसके कारण उत्पन्न होते हैं, जो सहयोग करता है स्थायी भाव को उत्पन्न करने में, वो आपका विभाव कहलाता है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अनुभाव के भेद लिखिए, अनुभाव के भेद कौन से हैं, अनुभाव के दोस्तों आपके क्या है आश्रय की चेष्टाएं ही क्या है अनुभाव कहलाती है, ये दो प्रकार की होती है, एक कायिक अनुभाव, एक सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव यानी कायिक यानी शरीर की बात हो रही है, तो आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, सात्विक में हृदय की बात होती है, आश्रय की हृदय का चेष्टाएं, ओके। ये होते हैं अनुभाव के प्रकार, लेकिन इतना डिटेल से ज्यादा नहीं आता पेपर में, ओके। नेक्स्ट हमारा विवाह अनुभाव के अंतर, तो विवाह अनुभाव में हमारे ये अंतर दिए हुए, 2 नंबर का रहता है, 2 तो याद आपके रहने ही चाहिए, ओके। तो विभाव क्या है, स्थायी भाव को जागरण करने में जो सहयोग करने वाले कारण होते हैं विभाव कहलाते हैं। अनुभाव क्या है, आश्रय की चेष्टाएं ही क्या है अनुभाव कहलाती हैं। फिर विभाव 3 प्रकार के होते हैं, अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, ये प्रकार दिए हुए हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, ओके। ये क्वेश्चन पूछे आ रहा है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। संचारी भाव क्या है, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, स्थायी भाव में एक रस में क्या है एक स्थायी भाव होता है, ओके। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमें क्या है कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओके।
तो बाकी आपको समझ में आते जा रहा होगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अन्य सब्जेक्ट का भी कंप्लीट आपको सॉल्यूशन चाहिए अभ्यास प्रश्न मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, कि आपके स्कूल में बताया गया है कि सॉल्व करने के लिए नहीं बताया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है जो संचारी भाव होते हैं, ये क्या होते हैं? आते जाते, नाम ही संचारी भाव, स्थायी मतलब स्थायी रहते हैं, और जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या है? स्थायी रहते हैं। स्थायी भाव संचारी नहीं होते। ओके, संचारी यानी संचरित नहीं होते। ओके, संचालित नहीं होते। नेक्स्ट है ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं संचारी भाव, जबकि स्थायी भाव क्या है? संचारी भाव को नहीं जगाते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर बताइए। तो आलंबन उद्दीपन में आपको अंतर बताना है। तो आलंबन क्या है? जिसके कारण या जिसको देखकर भाव जागृत हो। ओके, ये जिसके कारण या जिसको देखकर भाव जागृत हो वो आलंबन। उद्दीपन क्या है? आलंबन की चेष्टा एवं वातावरण में जो भाव जागरण में सहायक होते हैं वो उद्दीपन आपके कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अलंकार से, और अलंकार के भेद पूछे जा रहे हैं। ओके, अलंकार की परिभाषा और भेद लिखिए। सिंपल आपको अलंकार की परिभाषा बता देनी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। भेद भेद क्या है? तीन प्रकार के होते हैं आपके, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और विलंकार। ओके, इस प्रकार से आपको बता देना है। फिर हमारे यहाँ से प्रमुख जो आपके सिलेबस में अलंकार है वो आ जाते हैं। सामरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण पूछे जा रहा है। फिर आपका क्या है? आपके सामरूपक अलंकार के प्रकार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको सामरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण पता रहना चाहिए। फिर आपको संधि अलंकार का तैयार रहना चाहिए। भ्रांतिमान अलंकार पूछे जा रहा है, विरोधाभास अलंकार पूछे जा रहा है, व्रतिरेक अलंकार पूछे जा रहा है। जितने भी आपके तीन से चार जो आपके अलंकार सिलेबस में है पूरे के पूरे आपको रख दिए गए। ओके, तो ये आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो चलिए अलंकार में अपन सांगरूपक अलंकार समझ लेते हैं। तो सांगरूपक अलंकार को सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या लिखनी है, किस प्रकार, जिस टाइप से मैंने देखिए लिखा है इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है। अगर आप जब भी पेपर त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, इन सब वार्षिक में बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके अच्छे से तैयार करके रखना है। ओके, तो परिभाषा क्या है? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप कर दिया जाता है वहां क्या है? सांगरूपक अलंकार होता है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय के अंगों के साथ आरोप किया जाए, सांगरूपक अलंकार। उदाहरण आपको तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोच मृंग। तो ये आप दिया हुआ है उदाहरण। ओके, बाकी बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जो भी आपको याद हो आप चाहे तो यही आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार कहाँ है, कहाँ होता है? जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब भ्रम हो जाना, ओके, वहीं भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु में अगर हम भ्रम हो रहा है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं, उदाहरण है जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनमोर। ओके, नेक्स्ट है चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। तो ये दो एकदम एक पॉपुलर इसके भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट संधि अलंकार क्या है? तो संधि अलंकार क्या होता है? जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह वही वस्तु है वहाँ संधि अलंकार होता है। ओके, भ्रांति मान अलंकार में क्या होता है? भ्रम हो जाता है। ओके, जबकि संदेह में क्या होता है? निश्चित नहीं होता है किसी की, जो मैं सोच रहा हूँ ये वस्तु है कि नहीं है। ओके, निश्चित ना हो पाए वहीं आए संधि अलंकार होता है। ओके, इसमें अंत तक क्या है? संशय बना रहता है। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है सत्ता सत में, तो ध्यान रखिए संधि अलंकार में क्या है? अंत तक संशय बना रहता है। उदाहरण आप याद कर सकते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? तो कि विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोधन आभास, मतलब जहां विरोध का आभास हो हमें। ओके, असलियत में ना हो लेकिन हमें आभास हो, हमें लगे। तो जहां वाक्य में विरोध होने का आभास प्रकट होता है वहां, और परंतु वहां क्या है? विरोध नहीं होता है, हमें केवल आभास हो रहा है, वास्तविकता में विरोध नहीं हो रहा है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, ये एग्जांपल इसके दिए हुए हैं। जैसे ये आपकी आत्मपरिचय जो आपके पहला चैप्टर हिंदी में, जिसके लेखक क्या उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी है, उसी में ये लाइन आती है, मैंने जो रोदन में राग लिए फिरता हूँ शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये शीतल वाणी यानी ठंडी वाणी में आग लिए फिरना, मतलब ठंडी में गर्म की बात हो रही है। ओके, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं विरोधाभास अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है या अनुरागी चित्त की गति न समझे क्यों, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो जल हुए। जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी काले रंग, जैसे जैसे काले रंग में डूबते जाते हैं जैसे जैसे उज्जवल यानी सफेद होते जा रहे हैं। तो काले में डूब रहे सफेद हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास का आभास हो रहा है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, तो ये भी इसमें क्या है? विरोधाभास अलंकार। तो कोई भी आप कहे एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यतिरेक अलंकार हमसे पूछा जा रहा है। तो व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है, यहाँ उपमेय को क्या है? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वह क्या है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ओके, तो जहाँ भी उपमेय के उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए आपका क्या है? व्यतिरेक अलंकार होता है, अच्छे से याद रखिएगा। उदाहरण आपको तैयार कर लेना है,
साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रतिशु कुमार, ये हो जाता है। दूसरा उदाहरण है आपका मुख मयंग सो है सखी मधुर वचन सब विशेष, तो इसमें दोनों में क्या है व्यतिरेक अलंकार है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं, मैंने ये सभी आपको क्या है अलंकार पूरे टॉपिक पूरे कवर करा दिए हैं, ओके समझा दिए हैं। नेक्स्ट आता है भाव पल्लवन कीजिए, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, इसका आपको भाव पल्लवन करना है। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य हैं, आंखों में स्वर्ग है लेकिन पांव में पृथ्वी टिके हो, युग परिवर्तन की आहट पाने वाले युग निर्माता। तो ये आपके चार को क्या है टॉपिक को आपको भाव पल्लवन करना है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ओके पर सार संक्षेपण आपको करना है, ओके सार संक्षेपण तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको क्या है कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है, तो एक विज्ञापन बनाना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद, मतलब कोई रोगी है वो डॉक्टर के पास गया तो रोगी और डॉक्टर में क्या बीच संवाद हुआ वो आपको लिखना है। और विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक और छात्र का संवाद आपको बताना है। चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन जब मैं अलग से भाव पल्लवन की वीडियो बनाऊंगा तो मैं स्पेशल अलग से समझा दूंगा, अभी तो आपको सॉल्यूशन अलग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में से भी आ जाएगा। ये पहले का आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ये आपका दूसरे का सॉल्यूशन है, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य, ये आपका पूरा दिया हुआ डिटेल से भाव पल्लवन, ओके तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा देख लेते हैं आपका, तो तीसरा आपका ये दिया हुआ है, ओके चौथा आपको है स्वयं करिएगा, इसमें बताया गया है, ओके ये तीन मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है, तो हमें क्या है विज्ञापन बनाना है, तो आपको इस प्रकार से आप विज्ञापन बना सकते हैं। आवश्यकता है फिर लिखना है शीघ्र आवश्यकता है, ओके न्यू किंडजी सेंटर में पढ़ाने के लिए, ओके पार्ट टाइम या फुल टाइम इस प्रकार से दिया हुआ है, ये इसकी योग्यता होनी चाहिए, ओके ओके ये लिखा हुआ है नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सके, वेतन योग्यता अनुसार दिए जाएंगे, जल्दी संपर्क करें, फ़ोन नंबर संपर्क दिया हुआ है इस प्रकार से, ओके तो ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आप क्या विज्ञापन बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमारा कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे योगी और उनके डॉक्टर के बीच संवाद लिखना है, तो ये तो अपने से ही बनाकर लिख सकते हैं कि रोगी ने क्या बताया डॉक्टर ने क्या बात हुई, ओके इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा क्यों भाई अब आपकी तबीयत कैसी है, रोगी ने कहा दवा तो समय पर खा ली थी लेकिन अब क्या है कमजोरी मालूम हो रही है, तो कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ओके ये बात है। फिर नेक्स्ट है विलंब से कक्षा में पहुंचे शिक्षक और साथ का संवाद, तो ये आपको दिया हुआ है, ओके बाकी ये रटने की चीज नहीं, कुछ भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। विद्यार्थी ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर ने अध्यापक ने कहा टीचर ने कहा अंदर आओ मैं तुमसे देर आने का कारण पूछ रहा हूँ कि तुम भैया देर क्यों गए, तो अपना अपना कोई भी कारण, कोई ये मेरे पिताजी की है इसमें तबीयत खराब है, कहते कि मेरी जो साइकिल पंचर हो गई थी इसलिए मैं विलंब हो गया, तो कुछ भी अपने हिसाब से आप लिख कर आपको संवाद का बस फॉर्मेट आपको उस प्रकार से लिखना है, ओके तो ये आपका पूरा दिया हुआ कंप्लीट तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको व्याकरण वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ओके नेक्स्ट अगर वीडियो में हम क्या गद्यखंड का देखेंगे, ओके और कंप्लीट और भी आपको सॉल्यूशन चाहिए अन्य सब्जेक्ट का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या आपके स्कूल के टीचर ने इन सब पेपरों को सॉल्व करने के लिए कहा है, इन सब अभ्यास प्रश्न पत्र को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।